मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब घर वापसी अभियान चलाने वाली है। इसके जरिए पार्टी उन कार्यकर्ताओं पर फोकस करेगी जिन्होंने अपने नेताओं के साथ जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इस काम के लिए कांग्रेस ने सेवा दल को टास्क सौंपा है। वहीं इस पर बीजेपी की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस चलाएगी घर वापसी अभियान। कमलनाथ ने सेवा दल को सौंपा टास्क। कार्यकर्ताओं पर ही रहेगा खास फोकस। बीजेपी ने कसा कांग्रेस पर तंज। जी हां, आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सेवा दल को विशेष टास्क सौंपा है जिसके तहत कांग्रेस घर वापसी अभियान चलाएगी और उन कार्यकर्ताओं पर फोकस करेगी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अपने नेताओं के कहने पर बीजेपी में चले गए थे। देखिए, हमारी माननीय कमलनाथ साहब से चर्चा हुई और हमने जब ये बातें उनको बताई कि ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ जाने वाले वो लोग जो मात्र कार्यकर्ता हैं, विधायक हो गए, बड़े नेता हो गए, वो तो जानते हैं आप, वो किस कारण गए हैं, सत्ता के लालच में गए, लेकिन वो कार्यकर्ता जो वास्तव में भावुक रहा है, सच्चा रहा है, वो भावुकता के अंतर्गत विधायक जी के साथ उपचुनाव में चले गए। लेकिन अब जो उनकी उपेक्षा हो रही है या जिस तरीके से उनके मान सम्मान, व्यक्ति को, कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई आर्थिक लाभ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मान सम्मान और भावनात्मक रिश्ते चाहिए। कांग्रेस में उनको भावनात्मक रिश्ते मिलते थे, प्रेम मिलते थे, लेकिन कई जगह अपमान का घूट सहन कर रहे हैं वो कार्यकर्ता। और मुझसे व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा की कि यदि हमें कांग्रेस हमारे परिवार में लौटने के लिए आह्वान करती है तो हम लौटने के लिए तैयार हैं, चूंकि हम सम्मान उनको लेकर आए। तो सर, ये किस तरह का अभियान रहेगा सर, ये अभियान के? देखिए, पहले तो हम 22 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हुए थे वहाँ सबसे ज्यादा कार्यकर्ता गए हैं, और जब कार्यकर्ता जिस जगह गए हैं वहाँ पर भी, और ऐसी विधानसभा भी है कि जहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं लेकिन बड़े शहर हैं, जैसे सिंधिया जी के समर्थक इंदौर में चले गए, ग्वालियर में चले गए, जबलपुर में गए हैं, भोपाल में भी कुछ चले गए, लेकिन उनकी घुटन के कारण वो चाहते हैं कि हमें कांग्रेस बुलाएगी तो हम सम्मान आएंगे। हम दो चरणों में लेंगे, पहले हम विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पर 22 उपचुनाव, जिसके बाद और भी बड़े थे चुनाव वहां पर, उसके बाद हम जिलेवार सम्मान हमारा कांग्रेस का सेवा दल का कार्यकर्ता जाएगा, आमंत्रित करेंगे और हम अपने परिवार में लौटा के। वहीं अब इस पर पूर्व मंत्री संजय पाठक ने तंज कसा कि पहले कांग्रेस को सेवा दल में जान फूंकनी चाहिए, फिर उसे कोई टास्क सौंपना चाहिए। उनको तो बोलना उनका वाजिब है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष के नेता होने का क्या मतलब। तो आरोप तो लगाना उनका काम ही, कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना। रही बात विकास की, तो विकास तो आप स्वयं देख रहे हैं, आपके कैमरे की नज़र से सम्मानित मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, सोशल मीडिया स्वयं देख रहा है कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कृषि के क्षेत्र में हम बहुत तीव्र गति से आगे चल रहे हैं। सिंचाई के क्षेत्र में हम पूरे देश में नंबर वन चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में नंबर वन चल रहे हैं। हर घर नल, हर घर जल के क्षेत्र में हम देश में नंबर वन चल रहे हैं। तो क्या ये विकास दिखता नहीं क्या उनको? कांग्रेस का घर वापसी अभियान कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी में जाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस ने दरवाजे खुले रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।